हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या ये संभव है कि कोई महिला बिना शारीरिक संबंध बनाए गर्भवती हो जाए, भावी तब जब उसने सिर्फ ओरल सेक्स किया हो और उसके पेट में चाकू तक मारा गया हो। ऐसा कई मामले मेडिकल साइंस में सामने आते हैं जो डॉक्टर और लोगों को हैरान कर देते हैं। ये खबर भी ऐसी ही है। यहाँ जिस लड़की की बात हो रही है वो सिर्फ 15 साल की ही थी। वो अस्पताल गई और उसने बताया कि उसके पेट में दो लड़कों ने मिलकर चाकू मारा है। उनमें से एक उसका बॉयफ्रेंड था जबकि दूसरा उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। उसे यह नहीं पता था कि चाकू तीनों में से किसके द्वारा मारा गया है, क्योंकि उनसे पहले इन तीनों में छोटी मोटी लड़ाइयां हो रही थी। लड़की के बाएं हाथ में एक तेजी से घाव लगा हुआ था जो कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने मारा था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ का हिस्सा लटक गया था और एक घाव उसके पेट के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ था। लड़की को तत्काल सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके घाव की जांच की गई। पेट का घाव काफी गहरा था और अमाशय तक गया हुआ था। अमाशय सर्जरी के समय उसका पेट पूरी तरीके से खाली था। उसके अंदर ना कोई खाने की वस्तु थी न ही गैस बनी हुई थी। लड़की को अस्पताल में 10 दिन रखने के बाद ठीक होने पर उसे घर भेज दिया गया। मामले में ट्विस्ट तब आया जब लड़की करीब 9 महीने बाद वापस अस्पताल में पहुंची। उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने उसकी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर जांच की तो सारे हैरान रह गए। लड़की गर्भवती थी उस टाइम। उसके पेट में थोड़ा सा खिंचाव हो रहा था। डॉक्टरों की हैरानी की वजह यह थी कि लड़की के शरीर में ब्लाइंड वेजाइना मौजूद थी जिसकी गहराई सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही थी। यानी न तो वो इंटरकोर्स कर सकती थी और ना ही गर्भवती हो सकती थी। डॉक्टरों ने पहले उसका सिजेरियन ऑपरेशन करके एक स्वस्थ बच्चे का जन्म करवाया। उसके बाद जब लड़की ठीक हुई तो उससे पूछताछ की गई कि ये सब कैसे हुआ। लड़की ने बताया कि उसे पता था कि उसकी वेजाइना नहीं है, इसलिए वह ओरल सेक्स करती थी। जब उसे चाकू मारा गया तो उससे थोड़ी देर पहले उसने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ओरल सेक्स किया था। तभी पुराना बॉयफ्रेंड आ गया और उनके बीच कहासुनी हो गई और फिर चाकू की घटना घटित हुई। लड़की द्वारा बताया गया कि उससे कभी पीरियड्स नहीं आया करते थे, लेकिन उसे भरोसा भी नहीं था कि वह गर्भवती थी। उसके पेट 9 महीने तक फूलता रहा। उसे इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वह गर्भवती है। डॉक्टरों ने बताया कि वह ओरल सेक्स से गर्भवती हुई है, जिस पर लड़की भी हैरान थी। फिर डॉक्टरों ने इसके पीछे की वजह बताई। डॉक्टरों ने लड़की को बताया कि हो सकता है कोई स्पर्मेटोजोआ पेट के घाव के रास्ते प्रजनन अंग तक पहुंच चुका है। इसे वहां तक पहुंचने में उच्च पीएच वाला सलाइवा ने मदद की होगी, क्योंकि जब चाकू के घाव की सर्जरी हो रही थी तब लड़की का पेट पूरी तरीके से खाली था, यानी शरीर में एसिड का निर्माण नहीं हो रहा था। एसिड निर्माण होता है तो स्पर्मेटोजोआ प्रजनन अंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह रिपोर्ट सन 1988 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ डिजिटल वेजाइना के नाम से प्रकाशित हुई थी। ऐसी एक रिपोर्ट को मशहूर मेडिकल जर्नल द लीसेंट ने साल 2020 में प्रकाशित किया था। ऐसे बहुत से केस हैं जो अभी भी मेडिकल साइंस और विज्ञानों को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी आगे की वीडियो हम अगली सीरीज में लाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी वो वीडियो। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।